मैं हूं सुमन, साई सुधा एजुकेशन परिवार का सारे सदस्यों को मैं नमस्कार करता हूं। आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिविल इंजीनियर पार्ट 9 देखने वाले हैं, जिसमें से आप लोग को यहां पे मैं बताने वाला हूं कि कोई भी एक स्ट्रक्चर है, सपोज आप रूफ स्लैब कास्टिंग कर रहे हैं, कुछ फाउंडेशन कर रहे हैं, कुछ डैम स्ट्रक्चर का कंक्रीटिंग कर रहे हैं, कैसा भी क्वांटिटी का कंक्रीटिंग होगा उसका, सपोज आप M20 में कर रहे हैं, M25 ग्रेड है, कोई भी डिफरेंट ऑफ कंक्रीट का ग्रेड रहेगा, ठीक है ना। हम लोग क्या है ना, सीमेंट का क्वांटिटी निकालेंगे, सैंड का क्वांटिटी निकालेंगे और एग्रीगेट का क्वांटिटी निकालेंगे। जैसे हम लोग कोई भी पर्सनल जो बिल्डिंग है, सपोज मेरा कुछ पर्सनल बिल्डिंग है, मैं एक बिल्डिंग का रूफ प्लास्टरिंग करूंगा, ठीक है, उसमें लिए मैं क्या करूंगा, सीमेंट को ऑर्डर करूंगा, सैंड को ऑर्डर करूंगा और एग्रीगेट ऑर्डर करूंगा, वो कितना क्वांटिटी हो पाएगा जिसमें से मेरा जो स्लैब है, रूफ स्लैब है, वो कास्टिंग हो पाएगा। डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट किससे भी कितना भी क्वांटिटी होगा उसके मैं आपको आज डिटेल से आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जो परिवार में नया है वो अभी जो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि मेरे जो आने वाले जितना भी वीडियो आप लोग को पता चल जाए, ठीक है। और जो बेसिक कंसेप्ट सिविल इंजीनियर मैंने पार्ट्स 1 से लेकर पार्ट 8 तक मैंने अपलोड कर चुका हूँ, और जो लोग नहीं देखे हैं पहले उसको देख लीजिए, ताकि मैं आगे वाले जितना वीडियो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो इसका जो वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स जो वीडियो है उसको लिंक दे दिया हूँ, वहां पे जाके आप लोग भी देख सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने इनिशिएटिव लिया हूँ, आपके साथ वादा भी किया हूँ कि आने वाला जो 3 मंथ के अंदर जितना भी कॉन्सेप्ट है, A to Z कॉन्सेप्ट आपके साथ मैं अवेलेबल कराऊँ, ताकि आप लोग को कोई भी इंटरव्यू होगा, आपका कंस्ट्रक्शन का कोई भी बिग ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आपका गवर्नमेंट सेक्टर का इंटरव्यूज हो गया, आपका हर जगह में आपको वो हेल्पफुल हो पाएगा, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसे लग रहा है आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपका एक लाइक मेरे को मोटिवेट करेगा एक सीरीज को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। चलते हैं बिना टाइम कब है क्लास पर, ओके। देखिए दोस्तों, सिविल इंजीनियर मस्ट नो, मैंने मेरा पहले से भी हेडिंग था, अभी भी हेडिंग है, पार्ट 9 है बेसिक कंसेप्ट सिविल इंजीनियरिंग का। हम लोग क्या देखें ना, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड कोर्स एग्रीगेट इन कंक्रीटिंग, ठीक है ना। पहले हम लोग क्या जानेंगे ना, जो नोमिनल कंक्रीट मिक्स है ना उसका प्रोपोर्शन पहले हम लोग को पता होना चाहिए। जैसे M5 क्या है ना, सपोज मैंने यहाँ पे M क्या है ना, मिक्स है, 20 क्या है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm साइज क्यूब। आप लोग क्यूब के बारे में मैंने बताया था बेसिकल सिविल इंजीनियरिंग के पार्ट साइज 6 या 5 में, इसके बारे में डिटेल्स करने किया था आप लोग को IS कोड के हिसाब से, 28 days इन न्यूटन पर mm2। ये जो 20 के वैल्यू है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, और m जो हो मिक्स है, ठीक है। M5 जो ग्रेड है ना, M5 का जो ग्रेड का प्रोपोर्शन है 1:5:10। ये 1 क्या है ना, ये सीमेंट है, ये जो बिडिल में जो है सो सैंड है, और जो आउटर साइड में जो है कोर्स एग्रीगेट है। ये सैंड को हम लोग फाइन एग्रीगेट भी बोलते हैं, फाइन एग्रीगेट, ठीक है। ये जो मैंने बताया था M5 का हो गया 1:5:10, M7.5 का जो ग्रेड प्रोपोर्शन है 1 सीमेंट है, 4 फाइन एग्रीगेट है, 8 कोर्स एग्रीगेट है। M10 में 1 सीमेंट है, 3 जो यूनिट है प्रोपोर्शन क्या है ना, सैंड है, और 6 यूनिट क्या हो जाएगा आपका, कोर्स एग्रीगेट हो जाएगा। M15 में 1:2:4, जिसमें से ये 4 कोर्स एग्रीगेट है, ये सैंड है, ये सीमेंट है। M20 में क्या होगा, 1:1.5:3, ये जो 3 है ये कोर्स एग्रीगेट के लिए, ये सैंड के लिए, ये सीमेंट के लिए। और जो M25 है 1:1:2 है, ठीक है। ये सारे ग्रेड को ना, ग्रेड का कंक्रीट को ना आप हमेशा मतलब आज से ही आप याद रख लीजिए, आपको कहीं पे भी काम कीजिए, सिविल इंजीनियर में आपको कितना साल भी काम कीजिए, ये हमेशा आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो लोग को पता है अच्छा है, जिसको नहीं पता है ये अभी से ही याद रख लीजिए। आज का जो वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं बताऊंगा, ये जो आज क्लास होने वाला है आप सबको ये देखना जरूरी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए दोस्तों, जो IS 456 है ना, जो कंक्रीट ग्रेड है, वो जो मिनिम जो 1978 जो एडिशन का, वहाँ पे क्या था ना, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज इन RCC रेनफर्स्ट कंक्रीट आपका M15 था। अभी मैंने मैक्सिमम आपका इंटरव्यूज हो गया, आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया, अभी जो 2000 ग्रेड एडिशन आ गया ना, IS 456 2000 में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज इन RCC वार, दैट इज M20 हो गया, ठीक है ना। इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी जो प्लेन कंक्रीट हो रहा है ना PCC के लिए, अभी जो मिनिमम ग्रेड होगा ना M15 हमेशा यूज किया जाता है, ठीक है। कोई जहाँ पे इतना लोड स्ट्रक्चर नहीं रहेगा वहाँ पे M10 भी यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। नॉर्मल ऑर्डिनरी में M7.5 भी यूज कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे मैक्सिमम मेजर स्ट्रक्चर रहेगा ना वहाँ पे मिनिमम जो ग्रेड है PCC हो गया ना, अभी M15 हो गया, ठीक है। पहले से भी जो स्टार्टिंग क्लास में भी आपको बताया था सीमेंट के बारे में, उसका जो डेंसिटी है 1440 kg/m³, 1 m³ के लिए आपको 1440 kg का सीमेंट चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद ये याद रख लीजिए, एक जो बैग है ना 50 kg है,
ये आपको आने वाला स्लाइड में आपको हेल्प करेगा। और जो एक एमक्यू में आपका कितना हो गया ना, 14 से 40 kg चाहिए सीमेंट, और जो एक एमक्यू के लिए आपको कितना सीमेंट बैग चाहिए, आपको एक बैग 50 kg है। तो मैं आपका जो डेंसिटी 14 से 40 kg पर एमक्यू, एक एमक्यू के लिए 14 40 kg है, मैंने एक बैग का केजी जो 50 kg वो डिवाइड कर लूंगा, तो ये 28.8 एक कितना हजार नंबर ऑफ बैग है। मतलब एक एमक्यू के लिए, एक एमक्यू ओनली सीमेंट, मैं ओनली सीमेंट की बात कर रहा हूँ। सपोज ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ठीक है ना, और जो हाइट भी 1 मीटर है। सपोज ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, हाइट भी 1 मीटर। इसमें से मैं सीमेंट एक एमक्यू के कब कंप्लीट होगा ना, जब 28.8 बैग सीमेंट लगेगा, ठीक है ना। ये जो वैल्यू को ना ये याद रख लीजिए, 28.8 सीमेंट बैग लगेगा एक एमक्यू का सीमेंट के लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए मैंने क्या किया ना, अभी कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड फोर्स एग्रीगेट इन 1 MQ। देखिए हम लोग M15 ग्रेड के लिए, 1 MQ कंक्रीट के लिए मुझे सीमेंट कितना चाहिए, सैंड कितना चाहिए, कोर्स का एग्रीगेट कितना चाहिए, मैं अभी एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे जो दिया गया ना 1 MQ कंक्रीट, 1 MQ कंक्रीट क्या है, जैसे मैंने कुछ स्लैब डाल रहा हूँ ना, रूफ स्लैब डाल रहा हूँ, ये सपोज बिल्डिंग है, ये स्लैब मैंने डालूंगा, उसको सपोज मैंने ले लिया 1 MQ का चाहिए, ठीक है ना। ये 1 MQ क्या है ना, आफ्टर वाटर एडिशन, मतलब पानी यहाँ से जो कंक्रीट मिल गया है ना, आफ्टर वाटर एडिशन ये जो कंक्रीट है ना, दैट इज 1 MQ है ना, इसको क्या बोलो, वेट वॉल्यूम करें, ठीक है ना। जो आपको कंक्रीट होने के बाद जो स्ट्रक्चर मिल रहा है ना, ये क्या है ना, वेट वॉल्यूम है। अच्छा हम लोग वेट वॉल्यूम के हिसाब से ऑर्डर तो कर नहीं पाएंगे, उसके लिए हम लोग को ड्राई वॉल्यूम चाहिए। ड्राई वॉल्यूम क्या है ना, आपका फाइन एग्रीगेट सीमेंट ये सब सेपरेट आएगा, ठीक है ना, वो ड्राई कंडीशन में आएगा, ठीक है। ये जो ड्राई वॉल्यूम है ना, इसका एक कंडीशन है कि आपका जो वेट वॉल्यूम्स है ना, आप 50% मोर करेंगे, एडिशन मोर देन द 50%, ठीक है ना। आप मैंने यहाँ पे जैसे 54 लिया हूँ, आप इसको 52% भी ले सकते हैं, लेकिन 50% ज़्यादा होना चाहिए। सपोज ये टोटल ड्राई वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये 1 MQ वेट वॉल्यूम प्लस इसी का 54%, आप 52 भी ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब 54% 1 MQ मतलब कितना, 0.5 पर MQ हो जाएगा। तो टोटल जो ड्राई वॉल्यूम है 1.5 पर MQ हो गया, ये कॉन्सेप्ट को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या दिया गया ना, M15 ग्रेड दिया गया है, M15 ग्रेड इधर है, M15 ग्रेड का मैंने प्रोपोर्शन बताया, 1:2:4 सीमेंट है, मिडिल वाला फाइन एग्रीगेट है, और इसको सैंड भी बोलते हैं, और ये कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। इस जो टोटल जो यूनिट है ना, ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 4 यूनिट, टोटल यूनिट को पहले एडिशन कर दीजिए, कितना, 1 + 2 + 4, 4 2 6 1 7, तो 7 यूनिट हो गया, ठीक है ना। अभी हम लोग को सीमेंट कितना चाहिए 1 MQ का कंक्रीट करने के लिए, M15 ग्रेड का सीमेंट कितना चाहिए, कैसे करेंगे ना, हम लोग का जो ड्राई वॉल्यूम है ना, ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट इंटू सीमेंट का यूनिट, सीमेंट का यूनिट कितना है, 1 है, तो इधर 1 आ जाएगा, ठीक है ना, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो कितना आ गया, ये देखिए 1.5 पर MQ है, ये यूनिट है, ये भी यूनिट है, ठीक है। इसका जो कितना आ जाएगा यूनिट, MQ आ जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था आपका 1 MQ में 28.8 बैग चाहिए, तो आपका 0.22 MQ में कितना चाहिए, 28.8 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका कॉन्सेप्ट प्रीवियस ये मैं बताया था, पीछे में अभी एक दो मिनट पहले बताया था। तो ये कितना हो जाएगा, 6.33 बैग चाहिए आपका 1 MQ कंक्रीट करने के लिए, M15 ग्रेड के लिए आपको 6.33 बैग मिनिमम आपको चाहिए कंक्रीट करने के लिए, ठीक है। अभी चलते हैं सैंड के बाद। ये जो सैंड है, सैंड क्या है, सैंड कैसे निकालेंगे, सैंड का प्रोपोर्शन क्या है, 2 यूनिट है, तो टोटल ड्राई वॉल्यूम 1.5 पर डिवाइड बाई टोटल यूनिट इंटू ये जो यूनिट है किसका है, ये सैंड का यूनिट है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 0.44 MQ, ठीक है। ये अब इतना MQ चाहिए आपको कितना, अच्छा ये जो सैंड है ना, आप क्या आता है ट्रैक्टर में आता है ना, ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से आप लोग को क्या आता है, ये आता है ट्रैक्टर का, ये क्या ट्रॉली है, ट्रॉली में आपको सपोज 0.44 MQ चाहिए, ये जो साइज है ना ट्रॉली का, मैं आपको आने वाला ये स्लाइड में बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है। अभी चलते हैं कोर्स एग्रीगेट पर। कोर्स एग्रीगेट का क्या है ना, ये फिर 1.5 पर ड्राई वैल्यू डिवाइड बाई टोटल यूनिट 7 यूनिट इंटू ये जो 4 है ना, ये क्या है, ये क्या है, ये यूनिट है किसका, कोर्स एग्रीगेट है, मल्टीप्लाई कर दो ना, ये कितना जाए 0.88 MQ आ गया। इसको याद रख लीजिए, आपका नोमिनल मिक्स M15 ग्रेड होगा, उसमें से मिनिमम जो सीमेंट बैग है ना वो 6.33 बैग
आता है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कोई भी इंटरव्यू वगैरह देंगे तो आपको पूछेंगे कि M15 ग्रेड में आपका नॉमिनल मिक्स ग्रेड होगा तो आप मिनिमम कितना बैग सीमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए अभी मैंने क्या बात करी ना, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड कोर्स एग्रीगेट इन 1 MQ कॉन्क्रीट फॉर M20 ग्रेड। ठीक है ना, मैंने पहले M15 के लिए किया, अभी M20 के लिए कर रहा हूँ। ठीक है ना, अच्छा वही सेम प्रोसीजर है। वेट वॉल्यूम कितना, 1 MQ यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया 1 MQ। ड्राई वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 50% मोर ऐड करना है, मैंने यहाँ पे 54% ले लिया, 1.5 पर हो गया। अच्छा M20 का प्रोपोर्शन क्या है, 1:1.5:3, जो पहला वाला सैंड है, सेकेंड सैंड, पहला वाला सीमेंट है, सेकेंड वाला सैंड है, लास्ट में एग्रीगेट है, ये कोर्स एग्रीगेट है। ठीक है ना, ये 3 यूनिट है, 1.5 यूनिट है, 1 यूनिट टोटल का, टोटल यूनिट कितना जाए, 3 + 1.5 + 1 कितना जाए, 5.5 यूनिट हो गया। ठीक है ना, अभी इसको सीमेंट कैसे निकालेंगे, वही सेम प्रोसीजर, ड्राई वॉल्यूम डिवाइड बाई टोटल यूनिट इंटू सीमेंट का यूनिट। ये जो यूनिट है क्या है, सीमेंट का यूनिट है, ये कितना आ गया, 0.28 MQ। अच्छा मैंने बताया था 1 MQ के लिए आपका जो सीमेंट बैग कितना, 28.8 चाहिए, तो 0.28 MQ के लिए कितना चाहिए, मल्टीप्लाई करता हूँ 28.8 में, कितना आ जाएगा, 8.06। ठीक है ना, इतना बैग सीमेंट चाहिए। ठीक है, अभी सैंड कैसे हो जाएगा ना, सैंड का जो यूनिट कितना है, 1.5, यहाँ पे 1.5 मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है ना, वही सेम प्रोसीजर, ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट, 5.5 इंटू सैंड का यूनिट 1.5, ये कितना है, 0.42 MQ आ गया। फिर कोर्स एग्रीगेट का सेम, टोटल ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट जो M20 प्रोपोर्शन का इंटू ये जो यूनिट है, 3 यूनिट है, किसका है, कोर्स एग्रीगेट का, ये कितना आ गया, 0.84 MQ आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अभी मैंने क्या करूंगा ना, ग्रेड ऑफ कंक्रीट को चेंज कर दिया, पहले M15 किया, पहले उसके बाद M20, अभी M25 ग्रेड का। ठीक है, M20 में वही 1 MQ के लिए हम लोग निकालेंगे, जैसे वेट वॉल्यूम 1 MQ दिया गया है, ड्राई वॉल्यूम 50% मोर लेना है, मैंने यहाँ पे 54 ले लिया, तो 1 + 50% 54% ऑफ 1 MQ। ठीक है ना, पहले जो बताया था मैंने 1.5 पर, M25 जो प्रोपोर्शन है 1:1:2, सीमेंट 1 यूनिट, सैंड 1 यूनिट, जो कोर्स एग्रीगेट है वो कितना है, 2 यूनिट है, टोटल यूनिट का कितना हो जाएगा, 4 यूनिट है, टोटल यूनिट कितना, 4 यूनिट हो गया। अच्छा उसके बाद क्या करें, सीमेंट का प्रोपोर्शन है, सीमेंट कैसे है ना, टोटल ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट 4 इंटू ये जो सीमेंट का यूनिट। ठीक है, ये सीमेंट मल्टीप्लाई करना कितना, 0.385 MQ। अच्छा वही सेम कंसेप्ट, 1 MQ में आपको 28.8 क्या चाहिए, बैग चाहिए, तो 0.385 × 28.8 11 बैग चाहिए, क्या पे M25 का कंक्रीट होगा। तो उसके बाद क्या है ना, सैंड क्या है ना, ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट इंटू सैंड का इधर क्या है, 1 है, ये फिर 1 यूनिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.385 MQ सैंड चाहिए। कोर्स एग्रीगेट में क्या है ना, ना टोटल ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट इंटू जो प्रोपोर्शन है कोर्स एग्रीगेट का प्रोपोर्शन, 0.77 MQ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए मैंने अभी जो कंक्रीट नॉमिनल मिक्स और नंबर ऑफ बैग सीमेंट कितना यूज होना चाहिए, मैंने M15 ग्रेड ले लिया जैसे 6.33 बैग आया। ठीक है ना, M20 ले लिया 8.06 बैग आया, M25 ले लिया 11 बैग आया। ये तीनों को ना हमेशा याद रख लीजिए, आपको कहीं पे भी ये यूज हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा मैंने अभी क्या है ना, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कंसिडर रूफ स्लैब, सपोज रूफ स्लैब एक सिंगल रूम में कास्टिंग करें, उसका क्वांटिटी कितना, 10 MQ है। ठीक है ना, उसको M20 ग्रेड में करेंगे। ठीक है, अच्छा M20 ग्रेड के लिए मैं कितना ऑर्डर करूंगा, सीमेंट सैंड एग्रीगेट कितना ऑर्डर करूंगा ना पूछे। देखिए 1 MQ के लिए मैंने सिर्फ सीमेंट निकाला था, कितना M20 के लिए, 8.06 MQ बैक, सैंड कितना, 0.42, कोर्स एग्रीगेट 0.84, मैंने कहाँ पर निकाला था, जब M20 ग्रेड का कॉन्क्रीट है ना। ये देखिए M20 में जो सीमेंट है 8.06, सैंड है 0.42 और जो कोर्स है 0.84। ठीक है, अब यहाँ पे वही 1 MQ लिख दिया। अच्छा 10 MQ के लिए चाहिए, मतलब क्या करूंगा, जो 8.06 है 10 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना 80.6 बैग। आप लोग को 80.6 बैग सीमेंट लाएंगे तो 10 MQ का जो स्लैब है, रूफ स्लैब है, आप लोग कास्टिंग कर पाएंगे जो M20 ग्रेड के लिए। ठीक है, सैंड कितना हो जाएगा ना, 0.42 × 10 हो जाएगा, कोर्स एग्रेड कितना हो जाएगा, 0.84 × 10 हो जाएगा। आपको कितना भी क्वांटिटी, ये 100 क्वांटिटी हो जाए, 100 MQ हो जाए, 500 MQ हो जाए, लेकिन आपका जो 1 MQ के लिए जितना है आप उतना ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको जो ऑर्डर देना है ना आपको इसमें से आप ऑर्डर कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए दोस्तों, हम लोग जो कंक्रीट मिक्सिंग करते हैं ना, एक तो मिक्सर मशीन में करते हैं, मिक्सर मशीन दो टाइप का आता है, विथ होपर विदाउट होपर। होपर क्या है ना, आपका सपोज ये मिक्सर, ये ड्रम रहता है ना, आप इसमें से कंक्रीट, इसका एक हुक रहता है, बकेट रहता है, इसमें से आप लोग क्या करेंगे ना, इसको आप सीमेंट सैंड एग्रीगेट डालेंगे, ये फिर उठा के इधर डालेगा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हुपर। ठीक है,
ये ऊपर कोई जो जो लोग ने देखे हैं तो अच्छा है, नहीं देखे हैं तो उसको ये देखिए ये कीजिए। और एक रहता है कि विदाउट होपर, ये जो है ना विथ होपर, ये विदाउट होपर क्या ना, ये वाला पोर्शन नहीं रहेगा, ये डायरेक्ट ड्रम आप लोग डालेंगे मिक्सर मशीन में, ये फिर ये करेगा ठीक है। और उसके बाद रेडी मिक्स कंक्रीट एक प्लांट रहता है, प्लांट में आप लोग क्या करें ना, आपको सपोज 200 MQ चाहिए, आप प्लांट को ऑर्डर कर दीजिए, रेडी मिक्स कंक्रीट वही सेम ग्रेड का वो लेके आपको सप्लाई कर देगा ठीक है ना। और एक है कंक्रीट करने के लिए जो सेल्फ कंक्रीटिंग डिवाइस और अजैक्स फ्यूरी, ये इसमें क्या है ना आपको मैन पावर लेबर कम लगेगा, ये जो मशीन है ना ये खुद ये क्या करेगा मिक्सिंग करेगा, ये जो मिक्सिंग का काम है ना खुद करेगा मशीन, खुद बकेट से उठाएगा ठीक है। उसके बारे में अगर नेक्स्ट क्लास में इसका एक स्पेशल क्लास करूंगा अजैक्स फ्यूर के बारे में ठीक है। और क्या करते हैं ना आपको जैसे नॉर्मली हैंड मिक्स में करते हैं ठीक है, हैंड मिक्सिंग क्या है ना आपको एक सरफेस में पहले क्या करना एग्रीगेट डाल देते हैं, सैंड डाल देते हैं, उसके ऊपर सीमेंट डाल देते हैं ठीक है ना। सीमेंट डालने के बाद क्या करते हैं उसको मिक्सिंग करते हैं। याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, नहीं तो आपको पर्सनल जो फील्ड लाइफ में काम आएगा, जो हैंड मिक्सिंग जहीं पे होगा ना वहां पे एक्स्ट्रा सीमेंट 10% ऐड कर देना ठीक है ना। जो सीमेंट सपोज आपका 200 बैग सीमेंट चाहिए ना, 200 बैग का सीमेंट का 10% कितना 20 प्लस 20 बैग आपको यूज करना पड़ेगा ओनली हैंड मिक्सिंग, ये इंपॉर्टेंट है ठीक है। अच्छा मैंने तो सीमेंट के बारे में बैग में बता दिया, आपका जो फाइन एग्रीगेट है कोर्स एग्रीगेट सैंड और जो कोर्स एग्रीगेट है ना, कोर्स एग्रीगेट आप लोग क्या करेंगे ना, आप लोग हमेशा ट्रैक्टर ट्रॉली यूज कर रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली का जो साइज है ना वो डिप वेरीज करता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 10 फुट, ये 6 फुट, ये 2 फुट ठीक है ना। इसका जो लेंथ है ना ये 10 फुट है, वुड जो है 6 फुट है ठीक है ना। ये जो हाइट रहता है ना ये हाइट रहता है, ये जो हाइट रहता है ये सपोज 2 फुट का है ठीक है ना। ये ट्रली होगा, इसका जो मल्टीप्लाइंग कितना 120 क्यूबिक फुट हो जाएगा। अच्छा मैंने आपका जो बेसिक कंसेप्ट सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट वन में इसके बारे में डायमेंशन के बारे में डिटेल्स बताया हूँ, जैसे 1 MQ 35.32 क्यूबिक फुट है, जैसे 120 क्यूबिक फुट क्या हो जाएगा ना 1/35.32, जैसे 120 क्यूबिक फुट 120/35.32 क्यूबिक फुट हो जाएगा, तो ये कितना MQ आ जाएगा 3.39 MQ। सपोज आपका ट्रॉली का साइज कितना भी हो जाएगा आप लोग क्या करें उसका कैपेसिटी निकाल पाएंगे, सपोज 10 MQ के लिए मुझे क्या इतना चाहिए 4 MQ सैंड चाहिए ठीक है ना। अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था 10 MQ और स्लैब के लिए मुझे सैंड चाहिए 4 MQ और एक ट्रैक्टर में 3.39 MQ आ रहा है, उसी हिसाब को ऑर्डर करना पड़ेगा ठीक है ना। एक ट्रैक्टर में आपका सैंड भी आ जाता है और कोर्स एग्रीगेट भी आप ऑर्डर कर सकते हैं ठीक है। आपका ट्रॉली का साइज के हिसाब से आप लोग क्या करेंगे ना उसको ऑर्डर करेंगे ठीक है। ये वीडियो आपको कैसे लगेगा आप कमेंट करके बताइए, आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जो परिवार में नया है उसको सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो कैसे लगे आप कमेंट करके बताएंगे ठीक है। और आपका एक एक लाइक मुझे मोटिवेशन दिलाएगा कि ये जो इनिशिएटिव मैंने लिया हूँ 3 मंथ के अंदर जितना भी कंसेप्ट है A to Z कंसेप्ट सिविल इंजीनियरिंग का आपको अवेलेबल कराऊँ ठीक है। चलते हैं दोस्त, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।